इंद्र सिंह जी, निरंजन पटनायक जी, भूपेश बघेल जी, नरसिंह मिश्रा जी, भक्त चरण दास जी, प्रदीप माझी जी, शरद पटनायक जी, कांग्रेस पार्टी के सब एमएलएस, पार्टी के नेता, ऑफिस बेयरर्स, कार्यकर्ता, एनएसयूआई, आईवाईसी, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय मां मणिकेश्वरी। अपना मां अपन मन को जोहार जोहार। आज हम यहां रेंडो माझी जी, लक्ष्मण नायक जी की याद करते हैं। उनकी कर्मभूमि है और मीटिंग के की शुरुआत में ही मैं उनका याद करना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि हमारा यहां पुराना आपके साथ रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, प्यार का, परिवार का रिश्ता है। और आज मैं आपके सामने राजनेता बन के नहीं आया हूं, आज मैं आपके सामने आपके परिवार का एक सदस्य खड़ा होकर आया हूं। यहां ओडिशा में 18 साल से नवीन पटनायक जी की सरकार है और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने आपके रीजन को एक स्पेशल जगह बना के दी थी, चाहे वो केवी के रीजन की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड रीजन ग्रांट की बात हो। हम इस बात को स्वीकार करते थे और करते हैं कि आपको स्पेशल मदद की जरूरत है। आपको नहीं दिखा जा सकता है, आपको एक स्पेशल तरीके से देखना पड़ेगा और स्पेशल तरीके से मदद करनी पड़ेगी। और यह बात कांग्रेस पार्टी ने मान रखी। बीजेपी ने, नवीन पटनायक ने, चाहे वो बीआरजेएफ हो, चाहे वो केवीके की बात हो, उन्होंने आपसे सिर्फ छीनने का काम किया है। देश में किसान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर लोग दिन भर सरकार के सामने खड़े होकर कहते हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, हमारी भी इस देश में जगह होनी चाहिए। और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, झट से वो जवाब देते हैं, देखिए हमारे 15-20 मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, देखिए बजट के समय बड़ा भाषण दिया, बीजेपी के नेताओं ने ताली बजाई, कहते देखो हमने ऐतिहासिक काम किया। क्या काम किया?
देश के किसानों को दिन के 3.5 रुपए दिए। बीजेपी की सरकार कहती है हमने ऐतिहासिक काम किया, और उनका ऐतिहासिक काम किसान के एक परिवार को दिन के 17 रुपए देना, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए। दूसरी तरफ भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने स्वयं 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आपसे कहते हैं ऐतिहासिक काम किया और आपको 17 रुपए देते हैं, और अपने 15 मित्रों को 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 4 साल में दिया। दूसरे तरीके से बताता हूं, आपसे मनरेगा छीनी। यूपीए की सरकार थी मनरेगा को देश में चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते थे। आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 मनरेगा का पैसा 15 लोगों के जेब में डाल दिया। हर प्रदेश में किसान कहता है हमारा कर्जा माफ कीजिए, 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, मगर ओडिशा के किसान का, मध्य प्रदेश के किसान का, छत्तीसगढ़ के किसान का, राजस्थान के किसान का कर्जा माफ बीजेपी की सरकारें नहीं कर सकती हैं, नवीन पटनायक नहीं कर सकता है। आप छत्तीसगढ़ के पास रहते हो, आपके सामने सच्चाई है। भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल कहा कि किसानों को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, 5 साल कहा किसानों की रक्षा करूंगा। उनके चीफ मिनिस्टर 15 साल से बोल रहे हैं कर्जा माफ करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, सही दाम दिलवाएंगे। भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर बने, कमलनाथ जी बने, गहलोत जी बने, मैंने भाषण में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, अब मैं थोड़ी सी बातें आदिवासियों, आदिवासी भाई बहनों से कहना, हमने आपके लिए 2-3 ऐतिहासिक काम किए थे। सबसे बड़ा काम आदिवासी बिल, पैसा कानून। इस बिल के माध्यम से आपका जल, आपका जमीन, आपका जंगल, इन चीजों का हक आपको देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदिवासी बिल में साफ लिखा है आदिवासियों को उनकी जमीन वापस देनी है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में यह काम शुरू हो गया है। आपने सुना होगा टाटा की फैक्ट्री बननी थी, हमने वहां साफ लिख दिया था जमीन अधिग्रहण कानून में आदिवासियों को, किसानों को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। आदिवासियों से पूछे बिना, किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी, और अगर जमीन ली गई, अगर आदिवासियों ने अपनी जमीन दी, तो अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं बनाई गई तो वो जमीन सीधी आदिवासियों को, किसानों को वापस दी जाएगी। हमने उदाहरण बना दिया, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी है,
पांच साल में फैक्ट्री नहीं बनी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने टाटा फैक्ट्री की जो जमीन थी आदिवासियों को वापस दे दी। तो आप एक बात अच्छी तरह समझिए, नवीन पटनायक जी और बीजेपी आपसे आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल, निरंजन पटनायक जी, ओडिशा का हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता आदिवासियों की जमीन की रक्षा करेगा। और आपका जो हक है, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपकी जमीन हो, चाहे वो आपका जंगल हो, उस हक की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। न्यामगिरी में लड़ाई हुई, मैं वहां गया, आपको याद होना चाहिए, आपके साथ में खड़ा हुआ और जो आपका था उसकी रक्षा करके हमने आपको दी। और अब हमने आपको मनरेगा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म किया, आदिवासी बिल दिया उसको खत्म किया, सूचना का अधिकार दिया उसको खत्म किया, जो भी हमने आपको दिया था आपकी मदद के लिए दिया था उसको खत्म करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनल न्यूज बनती है, 10 दिन माझी जी अपनी बीवी की लाश को वापस ले जाने में लगाते हैं, 1 ने एक शब्द बोला, चीफ मिनिस्टर ने माफी मांगी, उन्होंने आपसे कहा कि हां यह गलत काम हुआ है, 10 दिन के लिए ओडिशा की सरकार आदिवासी व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं दे सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती, किस प्रकार का प्रदेश है ये? तो आपसे सिर्फ छीनने का काम किया है। आदिवासी युवा, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आदिवासी युवा आपको रोजगार ढूंढते हुए मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, इन सब प्रदेशों में आप चले जाइए, ओडिशा में आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। ओडिशा में सिर्फ आपकी जमीन छीनी जा सकती है, आपका जंगल आपसे लिया जा सकता है और आपका पानी छीन कर किसी और को दिया जा सकता है, मगर आपको रोजगार नहीं मिल सकता इस प्रदेश में। आप रोजगार चाहते हो, आपको बाकी प्रदेशों में आप अपने युवाओं को भेजना पड़ता है। आदिवासियों को शिक्षा चाहिए, आपको यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दी जा सकती। लाखों रुपए जेब में से निकालकर आप पहले अमीर लोगों को दो, फिर आपके बच्चे कॉलेज में जा सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा ओडिशा हमें नहीं चाहिए। आदिवासियों को, ओडिशा की गरीब जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जगह मिलनी चाहिए, आपके माता पिताओं का भी इलाज होना चाहिए अच्छे से अच्छे अस्पतालों में। ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा ओडिशा हम आपके साथ बनाना चाहते हैं, मिलकर आपके साथ बनाना चाहते हैं। और अब हमने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है, मनरेगा से आपको फायदा हुआ, मगर मनरेगा से भी बड़ा निर्णय हमने ले लिया है। 5-6 महीने से कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के किसानों को वो 17 रुपए देंगे, हमने कहा
कि देश के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी प्रदेश में हो, साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में हो, सेंट्रल इंडिया में हो, कांग्रेस पार्टी गारंटी करके कहती है कि कम से कम आमदनी, मिनिमम इनकम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी दे के दिखा देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा कांग्रेस पार्टी डाल के दिखा देगी। आप अगर गरीब हो, नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं दिन में हम आपको 3.5 रुपए देंगे, कांग्रेस पार्टी आपसे कहती है गारंटी आमदनी हर गरीब व्यक्ति को, जैसे हमने रोजगार मनरेगा में दिया वैसे हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल के दिखा देंगे। अगर नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम आमदनी दिला के दिखा देगी। कर लो जो करना है, बोल लो जो बोलना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गरीबों की रक्षा करेंगे और कम से कम आमदनी हर हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति को हम दे के दिखा देंगे। दम है तो रोकने की कोशिश करो, पूरा हिंदुस्तान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पूरा उड़ीसा आपके साथ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। समय आ गया है, मजाक का समय बंद हो गया है, झूठ का समय बंद हो गया है, अब मिनिमम इनकम का समय चालू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, यह मैं आपसे कहना चाहता था। मगर आप एक बात याद रखिए, नवीन पटनायक ने आपको भ्रष्टाचार दिया, चिटफंड दिया, नरेंद्र मोदी जी ने आपको राफेल घोटाला दिया, नोटबंदी करके आपके जेब में से पैसा छीन कर निकाला, नीरव मोदी को दिया, विजय माल्या को दिया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से छीन के निकाला वो हम आपके जेब में वापस डालेंगे। और दुनिया की कोई शक्ति इस काम को रोक नहीं सकती है। मिनिमम इनकम कांग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति को दे के दिखा देगी। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में, झूठ नहीं बोला, हमने आपसे कहा देखिए 2-3 काम होंगे, 2,500 रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए मिलेगा, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा, टाटा की जो जमीन है जिस पे उद्योग नहीं बना वो वापस जाएगी। और मैंने भाषण में बोला कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और हमने जो 10 दिन का काम कहा था वो हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। और मैं आपसे यहां कह रहा हूं, दुनिया की कोई, अच्छी तरह सुन लो, दुनिया की कोई शक्ति मिनिमम इनकम हिंदुस्तान के गरीबों को देने से नहीं रोक सकती है। ओडिशा के किसान का कर्जा माफ होगा, ओडिशा के किसान को 2,600 रुपए धान के लिए मिलेंगे और हिंदुस्तान के हर गरीब को मिनिमम इनकम मिलेगा। 15 लाख जैसा वायदा नहीं है भाई और बहनों, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाला वायदा नहीं है। चौकीदार, और दूसरी बात बताता हूं, चौकीदार और नवीन पटनायक जी, रिमोट कंट्रोल हैं। चौकीदार चोर है, नवीन पटनायक रिमोट कंट्रोल है। जो चौकीदार कहता है, नवीन पटनायक से कहता है देखो ये उद्योगपति मेरा मित्र है, इसको पैसे दो, नवीन पटनायक झट से पैसा देता है। चौकीदार कहता है छत्तीस ओडिशा का कर्जा माफ किसानों का नहीं होगा,
रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, नवीन पटनायक कहता है यस सर नहीं होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं अब रिमोट कंट्रोल को नीचे रखो, टेलीविजन का कंट्रोल डायरेक्टली अपने हाथ में लो, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासियों की हम रक्षा करेंगे, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की रक्षा करेंगे और आपको रोजगार देने का काम, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी आपके साथ करेगी और आपका एक सुनहरा भविष्य बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। वर्तमान मु कोलाहांडी डीसीसी प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमिटी सभापति भरत बेमाल महाशय को अनुरोध करा चाहिए से धन्यवाद देव। भारत जातीय कांग्रेस सभापति श्रीजुक्त राहुल गांधी कोलाहांडी आसी थिबार मु तांकु स्वागत करूछि, धन्यवाद अर्पण करूछि। 25 तारीख दिन तांकु मु कोलाहांडी आसीबा पई कहितिलि, से आसीथिले, 5 दिन भितरे आसिले। आमर पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक, अपोजिशन लीडर नरसिंह मिश्र, आमर एआईसीसी सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, अनिल चौधरी, समस्तंकु धन्यवाद अर्पण करूछि। खास करी श्रीजुक्त भक्तचरण दास, श्री प्रदीप माझी ए कार्यक्रम को जोरदार भाव में सफल करथिबा जोगु, सहयोग करथिबा जोगु तांको धन्यवाद अर्पण करूछि। सभा संग हला, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद।